हरे कृष्णा गाइस। तो हम आज लेके आए हैं आपके लिए ऑलरेडी एमवीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, जिसका फाइल नंबर भी हमने अपने इस वीडियो के थंबनेल पर डाला हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो व्यूवर्स न्यू हैं वो हमारे चैनल्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल्स पे बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा ज़रूर देखें। तो गाइज़, ये है एम वी डी ए प्रोजेक्ट्स जो है हमारा बिल्कुल प्रेम मंदिर के नज़दीक। ये प्रेम मंदिर का ही एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा आपको आज ऑलमोस्ट लोकेशन वाइज दिखाएंगे कि कहाँ से क्या लोकेशन कनेक्ट कर रही है। और बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है प्रेम मंदिर के पास लोगों की। हालांकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रेम मंदिर एक ऐसा सेंट्रलाइज पॉइंट है वृंदावन का, कि जहाँ पे आपके प्रॉपर्टी रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रेम मंदिर के नज़दीक की, तो प्रेम मंदिर के जस्ट अपोजिट तो हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती रेजिडेंशियल के लिए, क्योंकि वो कमर्शियल एरिया है। ये प्रेम मंदिर का एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है अभी प्रेम मंदिर, और इसके सामने सारा कमर्शलाइज एरिया है। आप देख रहे हैं भारतीय वालों का होटल है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े ब्रांड रेस्टोरेंट्स भी हैं जो अब यहाँ बन चुके हैं। और अभी तो ये हमने जो वीडियो कैप्चर की है वो दोपहर का यानी आफ्टरनून का टाइमिंग है, इसलिए थोड़ा क्राउड कम है, अदरवाइज़ यहाँ सुबह शाम बहुत क्राउड रहता है। बीकानेर वाले का भी रेस्टोरेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रेम मंदिर के पास बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति वृंदावन आते रहते हैं तो जनरली उनको तो मालूम होता है कि वृंदावन में क्या रेट चल रहा है, बट जिनको नहीं मालूम है बट वो डिमांड जब करते हैं तो उनको फिर शॉक लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे हमारे पिछले 10-12 सालों में वृंदावन की डिमांड बहुत हो चुकी है। तो अभी हमने आपको दिखाया प्रेम मंदिर की लोकेशन। प्रेम मंदिर के सामने वाला रोड है जो सीधा बिहारी को कनेक्ट करता है, बिहारी जी मंदिर को कनेक्ट करता है, इस्कॉन मंदिर को कनेक्ट करता है। यहाँ से हम सीधा चल रहे हैं अपनी लोकेशन पर। हम अपनी प्रेम मंदिर से लोकेशन की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 900 मीटर का है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आप मान सकते हो कि 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, जो आपको 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस कवर करके आप प्रेम मंदिर से अपनी सोसाइटी पर पहुँच सकते हैं। अब यहाँ हम आ जाते हैं जो कि है वृंदावन का मेन परिक्रमा, जो यहाँ से शुरुआत करता है। कोई भी वृंदावन में जब परिक्रमा करता है तो जनरली यहीं से शुरुआत करता है। हम लोग भी जब अपने परिवार के साथ परिक्रमा करते हैं तो यहीं से करते हैं। तो यहाँ से हम ढोक दे के यानी कि परिक्रमा को प्रणाम करके अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं, और ये परिक्रमा जो है वृंदावन की पूरी 12 किलोमीटर की है। तो गाइस, मैं आपको प्रॉपर्टी डिटेल के साथ साथ वृंदावन की भी कुछ ऐसी अच्छी डिटेल्स हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, जो आपको अच्छा लगेगा सुन के। क्योंकि जनरली जो कभी कभी आते हैं या जो नहीं आते हैं या जो घर बैठे दर्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको वृंदावन के विषय में जानकारी मिल रही है। तो गाइस, ये है परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग से हम यहाँ से लेफ्ट कट लेंगे, जो कि लेफ्ट कट कहलाता है हमारा सुनरक मोड़। इस सुनरक मोड़ यानी कि जो प्रेम मंदिर के पीछे वाला गेट है वो इसी सुनरक मोड़ पे ओपन होता है। तो हमारे प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है वो प्रेम मंदिर के पीछे वाले गेट से मात्र और मात्र 900 मीटर है, और अगर हम उसकी डिस्टेंस अपने परिक्रमा मार्ग से लगाएं तो परिक्रमा मार्ग से मात्र और मात्र 1.5 किलोमीटर है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको MVDA अप्रूव रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिल रही है, जो कि आपके लिए बहुत खास प्रॉपर्टी होने वाली है। तो हम आ चुके हैं अपने सुनरक मोड़ पे। तो गाइस, ये है हमारा सुनरक मोड़। यहीं पे बहुत क्राउड मिलेगा आप जब सुबह शाम आएंगे, और ये पूरा सुनरक मोड़ आपको कनेक्ट करेगा आपकी सोसाइटी से और परिक्रमा मार्ग से। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये वही रास्ता है जब जिस रास्ते पे हमारे श्री महाराज प्रेमानंद महाराज जी रात को 2 बजे अपनी परिक्रमा करते हुए अपने आश्रम यानी केलीकुंज तक आते हैं। तो ये एरिया बहुत प्राइम लोकेशन एरिया है, बहुत यहाँ पे जो होटल्स भी बने हुए हैं और सोसाइटी फ्लैट्स भी हैं, बट यहाँ पे अगर हम प्लॉट्स रेट्स की बात करें तो बहुत प्राइम प्राइस है। और यहाँ लेफ्ट एंड में आप देखेंगे तो हितमब्रीज महाराज जी का भी आश्रम है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं, और सीधा हम कनेक्ट करने जा रहे हैं प्रेम मंदिर के पीछे वाले गेट से। तो हालांकि
उसके सामने जो एक सोसाइटी है NRI सोसाइटी, वो भी बहुत डिमांडेड है, वो फ्लैट सोसाइटी है, IRI सोसाइटी है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है जो कि MVD अप्रूवल है, जिसका ऑलरेडी नंबर भी आ चुका है, मैं उसके बात बारे में आपसे विषय में बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे डिस्टेंस प्रेम मंदिर के गेट को, पीछे वाले गेट को 900 मीटर कनेक्ट करता है, यानी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मैंने आपको बताया कि परिक्रमा मार्ग से मात्र और मात्र ये आपका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बहुत प्राइम लोकेशन है। अगर आप सुबह सुबह भी उठते हैं तो बेसिकली सामने हमारी NRI सोसाइटी, इसके जस्ट अपोजिट ही प्रेम मंदिर का गेट है। हालांकि हमारे कैमरामैन ने दिखाया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट की डिस्टेंस 900 मीटर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब सुबह सुबह आप अपने घर से उठते हैं तो आप चाहते हैं कि वृंदावन में हम पैदल चलें, तो अपने घर से निकल के पैदल चल के मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करके आप परिक्रमा मार्ग को टच कर सकते हैं। तो परिक्रमा मार्ग ये लेफ्ट कट आ गया, इससे आप सीधा प्रेम मंदिर के बगल में निकल जाएंगे। तो अभी तक जो थी वो प्रेम मंदिर की वॉल चल रही थी, दीवार चल रही थी, अब यहाँ से हमारा ये प्रेम मंदिर के पीछे वाला रोड, जिसको हम जैत रामताल रोड कहते हैं, यानी जैत सुंदरक भी बोलते हैं और जैत रामताल भी, क्योंकि राइट टर्न अभी यहाँ से आप देखोगे तो एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पे हम जो राइट टर्न लेते हैं तो वो जैत सुंदरक हो जाता है, और जब हम लेफ्ट लेते हैं तो वो जैत रामताल हो जाता है, जो सीधा हमको NH2 को कनेक्ट करता है। और इसमें प्लस पॉइंट एक और भी है गाइस, कि जब हमारी सोसाइटी में आप घर बनाते हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि मंदिर के नज़दीक, है ना, मंदिर के नज़दीक, यानी कि प्रेम मंदिर के नज़दीक 900 मीटर की डिस्टेंस पे। दूसरा पॉइंट होता है कि वहाँ पे आप जब रहते हैं तो आपको प्रेम, ये देखिए जो राइट टर्न है ये आपका जैत सुंदरक है और ये लेफ्ट वाला जैत रामताल। तो मैं आपको बता रहा था कि जब सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रहने के बाद आपको वृंदावन के जो ट्रैफिक रश है, जो जाम है, उससे नहीं, उसमें उलझना नहीं पड़ेगा, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि अगर आप वृंदावन में रह रहे हैं तो मेरा ये पर्सनली एडवाइस है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रहें सिटी से लेके, यानी शहर में से, शहर से हटके थोड़ा सा रहें, इतना हटके नहीं, मतलब 1.5 किलोमीटर तक चल जाता है। क्योंकि जब सुबह शाम मंदिरों के में जब रश बढ़ता है तो आप अपने 4-व्हीलर को मूव नहीं कर सकते, और आज का समय ऐसा है कि हर किसी के पास घर में 4-व्हीलर पाया जाएगा, तो 4-व्हीलर अगर आप यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे और बाई चांस मेडिकली किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो वो निकल नहीं पाएगा। तो मेरा मानना यह है थोड़ा सा हटके ये रहना, यहाँ रहना चाहिए जो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ देखिए दिनचर्या चलती रहती है, हारी है, मतलब बीमारी भी है और अच्छे भी हैं, तो सभी तरह की चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, मेडिकली तरीके से भी सोचना पड़ता है। तो गाइस एक छोटा सा मेरा ये एडवाइस था, अगर आप माने तो अच्छा है। तो वैसे थोड़ा सा रोड ये टूटा हुआ है, ये बन रहा है वैसे, तो अब हम इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। आप रोड पर आप देखेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों साइड आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गेस्ट हाउस बने मिलेंगे आपको। अब ये सीधा रोड जो कनेक्ट करता है, ये रोड हमें कनेक्ट करता है NH2 को, NH19 को। NH19 यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आपका 3 किलोमीटर है, मतलब प्रेम मंदिर से, सॉरी। अब यहाँ पे भी आपकी एक पार्किंग बनने जा रही है जो कि राइट हैंड पे है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मात्र हमारी 200 मीटर की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। तो हमारे प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है वो प्रेम मंदिर से मात्र और मात्र 900 मीटर का डिस्टेंस है, जो 1 किलोमीटर का है, और इसको हम पैदल आराम से 5 मिनट की दूरी, मतलब 5 मिनट के समय में चल के तय कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत प्राइम लोकेशन है, जैसे कि मैंने रेट्स ऑलरेडी बता दिए हैं। हमारा 71,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट है, और 145 स्क्वायर यार्ड का, 175 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज़ है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो अपना प्लॉट वृंदावन में MVD अप्रूवल में बुक कराना चाहता है, नॉट अंडर अप्रूवल, इट्स ऑलरेडी अप्रूवल, तो उसमें अगर बुक कराना चाहता है तो इमीडिएटली वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। ये हमारी साइट की लोकेशन आ चुकी है, तो यहाँ मेन रोड पे हमारी सोसाइटी है। आप अपना चाहें तो प्लॉट अपना बुक करा सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे स्पेशली व्हाट्सअप करके आप अपने प्लॉट की बुकिंग डाल सकते हैं। बाकी रेट्स मैंने आपको बता दिया है, बाकी पेमेंट प्लान अगर जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने डाल दिया है, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। अब सीधा यहाँ से अगर हम चलते हैं तो सीधा यहाँ से हमारे हाईवे की डिस्टेंस मात्र 2 किलोमीटर की है,
जो सीधा आपको NH2 को कनेक्ट करेगा। राइट टर्न लेंगे तो हम दिल्ली निकल जाएंगे और लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम आगरा निकल जाएंगे। हमारी सोसाइटी से आगे एक सोसाइटी ऑलरेडी है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी मतलब सोल्ड आउट है सारी, इसमें विलास बने हुए, घर बने हुए, जो कि है श्री गणेश सिटी के नाम से। इसमें अगर रेट का बता करें तो आज का रेट लाख रुपए गज का रेट है, क्योंकि ऑलरेडी फैमिलीज इसमें रह रही हैं। और इसी के जिस बगल में हमारी सोसाइटी है वो हमारी 71,000 रुपीज़ पर, यानी 71,000 रुपये पर गज के रेट में है। तो गाइज आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपनी सोसाइटी यानी हमारी सोसाइटी में अपना कोई भी प्लॉट जो मैंने आपको बताया 145, 175 या 525, तीन साइज़ हैं, इनको आप बुक करा सकते हैं। अगर आप 145 से भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 145 145 के दो प्लॉट आप ले सकते हैं, उनको फाइनलाइज कर सकते हैं। गाइस मैं एक बात और बता दूं, यहाँ से जब कोई ट्रैफिक आता है सुबह शाम तो ये रोड इतनी बिजी रहती है कि जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं सब पार्किंग की बाउंड्री जो यहाँ पे बनने जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो रेट है वो कम है, बट आने वाले विद इन अ ईयर ये रेट बहुत आगे जाने वाला है। तो गाइस कोई भी अगर एज ए इन्वेस्टर भी है तो वो आज ही हमारी इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे लेफ्ट कट से, और आपको हम जो वृंदावन की सबसे बड़ी सोसाइटी है जिसमें आज का अराउंड 2 लाख रुपये गज का रेट चल रहा है, ओमेक्स के बगल से होते निकलेंगे हम, क्योंकि हमें वृंदावन के अंदर ही जाना है, वृंदावन से बाहर नहीं जाना। तो हम लेफ्ट टर्न लेंगे, सीधे हम चले जाएंगे, जैसे गाड़ियाँ सीधी जा रही हैं वो जा रही हैं सीधा NH2 को कनेक्ट कर। तो ये है हमारा ओमेक्स के बगल से रास्ता। ये कभी 1.5 साल पहले कच्चा रास्ता हुआ करता था, 1.5 साल पहले इसकी इंटरलॉकिंग रोड बना है, और ये रास्ता भी इतना बिजी रहता है क्योंकि गूगल मैप में भी ये रास्ता आ चुका है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है गाइज। तो गाइज अगर कोई भी आप लोग प्रॉपर्टी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इंतज़ार ना करें, प्रॉपर्टी को ख़रीद लें और फिर इंतज़ार करें, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट यहाँ हर 6 महीने में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, और 6 महीने में सीधा डबल ही हो रहा है। जनरली हमारे पास कॉल्स भी आते हैं कि अभी हमारा 6 महीने पहले इंक्वायरी किया था तो ये रेट था और अब इतना ज़्यादा रेट है, तो डेफिनेटली ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं आपको दिखा दूंगा राइट हैंड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सारा चंद्रोदय मंदिर का कैंपस है। तो जो हमारी सोसाइटी की लोकेशन है वो बहुत प्राइम लोकेशन है, नियर टू आपका प्रेम मंदिर है, नियर टू इस्कॉन मंदिर भी है, और नियर टू आपका ये आप सामने मंदिर देख रहे हैं चंद्रोदय मंदिर है। तो सारी चीज़ें आपके आसपास यहाँ पे आपको मिलेंगी देखने को गाइस। तो आप अगर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी का हम क्या करें, और बजट है आपका बट वो कन्फ्यूज़न में आप नहीं ले पा रहे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं गाइस, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत दिन दुगना रात चौगना यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैंने आपको अपनी सोसाइटी की विजिट स्पेशली इसी के लिए कराया है ताकि आपको डिस्टेंस, आपको एरिया वाकिफ हो सके कि कैसा आपका है, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी डेवलप्ड नहीं है इसीलिए हमने उसका फेज आपको दिखाया नहीं, इट्स प्लेन लैंड है, बट हमने वो एग्जैक्टली लोकेशन दिखा दिया, वो पॉइंट दिखा दिया जहाँ पे हमारी सोसाइटी है। तो गाइस सोसाइटी हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 2 बीघे का सोसाइटी है, बट छोटा सोसाइटी बनाया है, एक्सटेंशन करने का प्लान है फ्यूचर एक्सटेंशन का, बट अभी हमारे पास ऑन रोड पे यानी कि सोसाइटी के मेन एंट्रेंस रोड पे आपको 145 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो वृंदावन में MVD अप्रूवल में अपना प्लॉट प्लान कर रहा है, लेना चाह रहा है, वो इमीडिएटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे स्पेशली ओनली मैसेज करके प्लीज़ डोंट कॉल, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल्स लोग करते हैं फिर कहते हैं कि आप उठाते नहीं, क्योंकि कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। बट अगर आप मुझे मैसेज करेंगे स्पेशली व्हाट्सअप मैसेज, तो डेफिनेटली आई गिव यू रिवर्ट सून, मैं बहुत जल्दी आपको उस पर रिवर्ट दूंगा। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना जो स्पेशली न्यू सब्सक्राइबर है। हमारी वृंदावन से ऐसे ही और भी प्रॉपर्टी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी हम निकल रहे हैं अपनी सोसाइटी ओमेक्स के बगल से, उसमें मैंने आपको बताया ऑलरेडी 2 लाख का रेट है, समथिंग पहुंच चुका है। बाकी हमारी सोसाइटी में 71,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है, 71,000 रुपये गज का रेट है। आज ही इमीडिएटली बुकिंग कराएं और बने वृंदावन वासी, ब्रज के वासी, इससे बेहतर प्रॉपर्टी आपको पूरे ब्रज में नहीं मिल पाएगी। तो गाइस हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, ये पैसा आपकी मेहनत का नतीजा है। इसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सही जगह और सही व्यक्ति चुनें। हरे कृष्णा।